अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सबका मेरे चैनल मुगलाइज फीस्ट पर। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस क्रिस्पी आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू को काटकर धो लिया है और एक कढ़ाई में 250 ग्राम तेल गरम कर लिया है। तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, उसमें कटे हुए आलू डाल दिया है। अब मैंने आलूओं को करीब 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। आलू का कलर गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने आलूओं को साइड में कर लिया है और उसमें डाल दिया है कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और दोबारा से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके अब मैंने यहाँ पर आलूओं को दोबारा से 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया है। बनकर रेडी हो चुकी है टेस्टी एंड डिलीशियस क्रिस्पी आलू फ्राई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।